कहते कि अगर कोई बड़ा काम बिना बाधा से पूरा हो जाए तो ये किसी परीक्षा पास करने जैसे से कम नहीं होता। पिछले साल तक यूपी में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक खूब हुए थे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के चुनौती थी यहां पर कि यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक और विवाद के पूरी हो। 5 दिनों तक चली परीक्षा में किसी भी सेंटर से पेपर लीक की शिकायत नहीं आई। योगी आदित्यनाथ ने एक साथ युवाओं से वादा भी किया और पूरा भी करके दिखाया और विरोधियों की बोलती भी बंद कर दी। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सक्सेस संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। 67 जिले, 60,000 पद, 40,00,000 परीक्षार्थी, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। योगी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बिना बाधा के पूरी करवा दी और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। यूपी में सिपाही बनने के लिए 8 दिनों के दौरान करीब 40,00,000 अभ्यर्थी राज्य के अलग अलग शहरों में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस एग्जाम को बिना पेपर लीक बिना नकल के कराने की थी, क्योंकि पिछली बार जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी तो पेपर ही लीक हो गया था। साल की शुरुआत में ही 3 परीक्षा का पेपर लीक होना यूपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। कांग्रेस और एसपी ने पेपर लीक को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से वादा किया था कि वो अगली बार पूरी पारदर्शिता के साथ सिपाही भर्ती करवाएंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए। दोबारा 40,00,000 अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया और हर छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा गया। हर एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की गई। परीक्षा केंद्र पर सब इंस्पेक्टर से एसपी स्तर तक के अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया गया। हर जिले में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही थी। पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस एग्जाम सेंटर के आसपास के होटलों और लॉज की भी निगरानी कर रही थी। सिपाही भर्ती में नकल और पेपर लीक को लेकर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस का आदेश दिया था। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को यूपी पुलिस ने भी बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। 23 अगस्त से शुरू हुई परीक्षा 5 दिनों तक चली और आखिरी दिन तो यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद लखनऊ के एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एग्जाम सेंटर पर तैयारियों को परखा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बसों का इंतजाम भी किया था, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े लेवल पर परीक्षा का आयोजन बिना किसी व्यवधान के कराना योगी सरकार के लिए बड़ी सफलता है से भी मुद्दा छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कानपुर